हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सुंदरबन चलते हैं। कैसे जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आप लोग को सभी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप लोग देखिए दोस्तों, सुंदरबन जाने के लिए यहां पहले आपको सियालदा आना पड़ेगा। सियालदा से आपको कैनिंग का ट्रेन मिलेगा, 7:42 को है मेरा ट्रेन 15 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो चलिए चलते हैं, कैनिंग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, 7:42 को निकलेगा ट्रेन। दोस्तों मैं कैनिंग रेलवे स्टेशन पहुंच गया, अभी मेरा टूर गाइड मिलेगा, उसके साथ जाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो टूर गाइड को मिल गया, अभी ये हमें नाव तक लेके जाएंगे। चलिए चलते हैं, ये है कैनिंग। दोस्तों यहां से और नाव तक जाने के लिए 30 किलोमीटर है। दोस्तों मैं गोदखाली पहुंच गया, अभी नाव में लेके जा रहे हैं हमें। नाव में चल के आप लोग को दिखाते हैं क्या है कहीं नहीं यहाँ का। चलिए चलते हैं। यार दोस्तों, वेलकम टू सुंदरबन लिखा हुआ है, टाइगर रिजर्व। पहुंच गए हम लोग, ये रहा नाव और ये है नदी। आज हम लोग को नाव में घुमाएंगे और उसके बाद रात को होटल में रखाएंगे और फिर कल घुमाएंगे। आप लोग को पूरा टूर दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। दोस्तों नाव अभी स्टार्ट कर चुका है ड्राइवर, अभी चलेंगे हम लोग सुंदरबन सफारी। ये है हमारे ड्राइवर, बढ़िया करके नाव में फ्लैग लगा हुआ रहता है, इंडियन फ्लैग। तो चलिए अभी घूमते हैं। और दोस्तों नाव का अंदर का सीनरी ऐसा है, यहाँ पे सबने बैग वैग रख दिया है यहाँ पर, और जिसको भी आराम करना है यहाँ बेड पे सो सकते हैं आके। और अंदर खाना बन रहा है, आप लोग को दिखाते हैं। चलिए, ये दीदी और ये भैया खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे खाना के लिए बहुत सारा सामान रखा हुआ है। सब लोग बैठ के खा रहे हैं, देखिए हम लोग। अभी हम लोग उस पार से इस पार पहुंच गए, खाना खा लेते हैं उसके बाद घूमने जाएंगे। उन्होंने मुझे फिश दिया खाने के लिए, अभी खा लेते हैं। दोस्तों नाव बिंदास चल रहा है अभी, देखिए वो भी एक नाव है। वो लोग फिशिंग कर रहे हैं। दोस्तों यही है सुंदरबन का जंगल, देखिए आप लोग पूरा। दोस्तों खाना दे दिया, देखिए खा लेते हैं। दोस्तों आज हमारा ट्रिप यहाँ तक ही था, आज होटल शिफ्ट कराएंगे। अभी अभी इवनिंग के 4 बज गए, तो अभी होटल में लेके जाने वाले ये लोग, कल जंगल सफारी कराएंगे। तो आज इतना रखी है, चलिए होटल में जाके दिखाते हैं। दोस्तों जगह ऐसा है, देखिए ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे नदी के साइड में। इस होटल में रखे गाँव में, सुंदर ही है। दोस्तों ये रूम दिया है मुझे रहने के लिए, मैं यहाँ अकेला रहूँगा। ये है होटल का आउटसाइड का व्यू, देखिए आप लोग। और कल हमें जंगल सफाई ले जाएंगे। दोस्तों अभी हमें होटल में कुछ डांस दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए सुंदरबन का डांस। জঙ্গল কাটার অভিযান, যাতে এইখানে লোক বসতি স্থাপন করে আরো কিছু ট্যাক্স কালেকশন হতে পারে বেশি বেশি করে। তো এই জঙ্গলটা কাটবার মতো উপযুক্ত সাধারণ আমাদের বাংলায় যে শ্রমিক বা কৃষকরা ছিল, তাদের পক্ষে এই সুন্দরবনের জঙ্গলের গাছের গোড়া কেটে শিকড় তুলে কষ্টসাধ্য কাজ সম্ভব নয়, যার জন্য এই ধরনের জঙ্গল হাসিলের জন্য মূলত এই আদিবাসীদের ডেকে আনা হতো ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। যেটা আপনারা অনেকেই জানেন যে দুটি পাতা একটি করি মূলক রাজ আনন্দের।
दोस्तों सुबह हो गया, अभी हम नाव के तरफ जा रहे हैं। आज हमारा जंगल सफारी होगा, चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों नाव आ गया। चलिए दोस्तों वॉच टावर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों मधुमक्खी का सत्ता, बहुत बड़ा सत्ता बनाया हुआ है यहाँ। ये देखिए सुंदरबन का जंगल दोस्तों, हज़ार हज़ार किलोमीटर में फैला हुआ है। ये है वॉच टावर, यहाँ पे ही लोग आते हैं टाइगर को देखने के लिए। दोस्तों सुंदर बना के सिर्फ बंदर डोर ही देखने मिला, देखिए इन लोग फल धो के खा रहे हैं दोस्तों। और एक वॉच टावर पहुँच गए, बांग की कैंप है टाइगर रिजर्व। चलिए अभी हम लोग मार्च में आए हैं ना, मार्च में थोड़ा पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, तब मतलब जंगल के जानवर इतना नहीं आते हैं यहाँ पर। हमारा सुंदरबन आने का टाइम थोड़ा गलत हो गया, दिसंबर जनवरी में सबसे अच्छा टाइम है। अभी थोड़ा पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए जानवर सब अंदर रहता है, और गर्मी में तो वो लोग छाँव में रहना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से मतलब अभी तक हमें जानवर अच्छी तरीके से देखने ही नहीं मिला। अगर आप लोग आते हैं सुंदरबन तो नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच ही आइएगा, तब मतलब पानी भी कम रहता है और जानवर अच्छे से देखने मिल जाएगा आप लोग को तब। वो देखिए दोस्तों एक हिरन, वाइल्ड हिरन, एक वाइल्ड हिरन देखने मिला। ये देखिए दोस्तों देवी में, इस रास्ते से जाना पड़ेगा दोस्तों वॉच टावर के लिए। चलिए चलते हैं। यह वॉच टावर, यहाँ पर ही बाघ वगैरह सब है, अभी तक दिखा नहीं है। चलिए दोस्तों और थोड़ा आगे चलते हैं जंगल के, यहाँ पे बाघ वगैरह घूमते रहते। दोस्तों यही है सुंदरबन, टाइमिंग थोड़ा ख़राब हो गया, जनवरी फरवरी नवंबर इस टाइम में आते तो कुछ ना कुछ तो देखने मिलता श्योर। लोग बहुत आए हैं अभी भी ऑफ सीजन में भी, घूमने के लिए अच्छा प्लेस है, कितना सुंदर ही गाज जी। चलिए दोस्तों फिर नाव में चलते हैं। दोस्तों इतना ही था सुंदरबन के ऊपर वीडियो,
हमें कुछ ज़्यादा इतना देखने नहीं मिला क्योंकि हम लोग मार्च के महीने में गए थे ऑफ सीजन में। उस टाइम लगभग बारिश शुरू हो जाता है और आप लोग का नदी में ज्वार आ जाता है, गर्मी भी थोड़ा बहुत हो जाता है, इसी वजह से जानवर सब अंदर चले जाते हैं जंगल। अगर आप लोग सुंदरबन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच जाइए। ये तीन महीना सबसे बेस्ट रहता है सुंदरबन जाने के लिए। बाकी मेरा ट्रिप में जाने के लिए 5,000 रुपये खर्चा हुआ, उसमें 2 दिन आपका जंगल सफारी था, 2 दिन उन्होंने बोट में घुमाया, हमें जंगल वगैरह दिखाया और 2 दिन होटल में रहे हम। और मेरा आप लोग का सुंदरबन के ट्रिप में 5,000 रुपये खर्चा हुआ, 2 दिन उन्होंने बोट में घुमाया और 2 दिन होटल में रख आया, और उसके बाद आप लोग का खाना पीना सब मतलब 2 दिन का दोपहर का ब्रेकफास्ट लंच सब टीम में इंक्लूड था। और बाकी बहुत मज़ा आया, मुझे लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।